आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिजिटल गौरव पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू एड रन कर सकते हो, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय समझाऊंगा। उसके पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहली टर्म होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, सेकेंड होती है पेड ट्रैफिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ पोस्ट करी, सो पोस्ट ऑर्गेनिकली सब दूर पहुंची, उस पर लाइक आए, शेयर आए, कमेंट आए, उसका एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ। मतलब यहाँ पे आपने कुछ पेमेंट नहीं दिया है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि मेरी फोटो या मेरी पोस्ट प्रमोट कर दे। इस तरीके के ट्रैफिक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है जहाँ पे आपकी पोस्ट ऑटोमेटिक प्रमोट होती है, डिफरेंट ऑडियंस के सामने रीच होती है, आपके लाइक और शेयर आते हैं। इस टाइप के हम ट्रैफिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मतलब आपने कुछ पैसे नहीं दिए, ये ऑर्गेनिकली रीच हुई है। इसके बाद आता है पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक मतलब आपने उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ अमाउंट दिया है प्रमोशन करने के लिए कि मेरी पर्टिकुलर पोस्ट वीडियो प्रमोट कर दे। जैसे कि आपने बहुत बार देखा हो कुछ फोटोज के नीचे स्पॉन्सर लिखा होता है, जैसे कि आपको साइड में फोटो दिख रही होगी इसमें नीचे स्पॉन्सर लिखा है, मतलब ये पेड प्रमोशन है। जो भी एडवर्टाइजर था उसने इंस्टाग्राम को पैसे दिए कि मेरी फोटो को प्रमोट कर दे। सेम केस होता है गूगल के साथ। आप कुछ भी सर्च करते हो तो एक छोटे से बॉक्स में, येलो बॉक्स में एड लिखा होता है, वो भी पेड प्रमोशन है। जहाँ पे भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल को पैसे देते हो पोस्ट को प्रमोट करने के लिए, वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम पेड प्रमोशन। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब आपने कुछ भी पैसे नहीं दिए, आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली रीच कर रही है। लेकिन अगर मैं करेंट सिचुएशन की बात करूं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे कंटेंट इतना बल्क में अपलोड होता है कि आपकी पोस्ट कहाँ जाती है आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी। सो इसीलिए इन प्लेटफॉर्म ने पेड प्रमोशन का सहारा लिया कि यार आपको पोस्ट प्रमोट करनी है तो आप पेड प्रमोशन करवाइए। इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम का ऑर्गेनिक ट्रैफिक एज कम्पेयर टू फेसबुक अभी भी बहुत अच्छा है। मतलब ऑर्गेनिकली रीच अभी भी इंस्टाग्राम की बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू फेसबुक। आप फेसबुक पे आज कुछ भी पोस्ट करोगे तो इतना एंगेजमेंट नहीं आएगा जितना पहले आता था, क्योंकि इतनी पोस्ट अपलोड हो रही है, इतना कंटेंट अपलोड हो रहा है कि आपकी पोस्ट की रीच ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। सो इसीलिए मार्केटर्स, बिजनेस ओनर्स पेड प्रमोशन का सहारा लेते हैं अपनी पोस्ट, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं मेरा 100% दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर पूरा क्वालिटी कॉन्टेंट देने के लिए आपको इस चैनल पे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो अब हम समझते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर एड को रन कैसे करते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर एड को रन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्टली करना, सेकंड फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू करना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्टली कैसे एड रन किया जाता है। मैं फेसबुक एड्स मैनेजर की बात करूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें वहां पे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू आप कैसे एड्स रन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं जब आप फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू एड रन करते हो। जब भी आप आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को ड्राइव कर रहे हो तो आपके पास पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाती है पिक्सल के थ्रू। पिक्सल क्या होता है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सब चीजें हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको फेसबुक एड्स मैनेजर के बारे में समझाऊंगा। बस इतना समझिए कि फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, और फेसबुक के जो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि मैसेंजर हो गया और जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, सब दूर एड्स रन कर सकते हो। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्टली एड रन करते हो तो आप बस इंस्टाग्राम के ऊपर ही एड रन कर सकते हो। आप फेसबुक के ऊपर ही कर सकते हैं, आप मैसेंजर के ऊपर नहीं कर सकते। अगर आपको इन प्लेटफॉर्म पे भी एड रन करने तो आपको फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर जाना पड़ेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो अब हम समझते हैं कि कंडीशन क्या है इंस्टाग्राम के ऊपर एड रन करने की। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका जो भी प्रोफाइल है वो बिजनेस अकाउंट होना, जो भी आपका पेज है, जो भी आपकी प्रोफाइल है वो बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। सेकंड, आपका फेसबुक पेज लिंक होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से। ये दो कंडीशन अगर आपकी फुलफिल है तो आप इंस्टाग्राम पे एड रन कर सकते हो। और सेम सिचुएशन होती है फेसबुक एड्स के थ्रू भी, वहां पे भी आपको फेसबुक पेज की जरूरत पड़ती है जब भी आप एड्स रन करते हो। अगर आपका फेसबुक पेज नहीं है तो आप पुराना फेसबुक पेज लिंक भी कर सकते हो और नया पेज भी क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली आपको इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स कैसे रन करने हैं। तो चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सो अब आ गए हो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर जो कि मेरा बिजनेस अकाउंट है। यहाँ पे लिखा है डिजिटल क्रिएटर द डिजिटल गौरव। जस्ट रिसेंटली मैंने इस प्रोफाइल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा है। मेरे डिफरेंट और इंस्टाग्राम पेजेस है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कितने फॉलोवर्स है मेरे दूसरे पेजेस के। ये आपको एक पेज दिख रहा होगा, इसके इतने फॉलोवर है। सेकेंड पेज, थर्ड पेज,
और जस्ट रिसेंटली मैंने मेरे पेज के ऊपर भी वर्क करना स्टार्ट करा है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि अभी एक मंथ हुआ है और अभी 1500 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं। कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने, कैसे ऑर्गेनिक रीच बढ़ानी, ये सब चीज़ें भी मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा। सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में देना इम्पॉसिबल है, तो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट ट्रिक्स इंस्टाग्राम की आपको इस चैनल पे देते रहूँगा। सो, अब हम बात करते हैं कैसे इंस्टाग्राम के थ्रू एड्स को रन करना है। सबसे पहले आपको जो भी फोटो चूज़ करनी है, जो भी वीडियो चूज़ करनी है, आप उसको चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रही है, एक व्यू इनसाइट, एक दिख रहा प्रमोट। अगर मैं व्यू इनसाइट पे जाऊँगा तो मुझे पूरा एक इनसाइट दिखा देगा, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर हुए, कितनी पोस्ट सेव हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके जस्ट पास में एक लिखा है प्रमोट का ऑप्शन, बस आपको उस प्रमोट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बहुत बार ये होगा कि जो आपका प्रमोट का ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये प्रमोट मुझे हाईलाइटेड दिख रहा है, मतलब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो रीडायरेक्ट कर देगा मुझे एड्स के पेज पे। लेकिन कुछ पोस्ट होती है जहाँ पे हाईलाइट होता नहीं है, जैसे कि ये पोस्ट देखिए, यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं। अब ये हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हैशटैग है वो ज़्यादा यूज़ करें। मैं मुझे कुछ नहीं करना है, एडिट करना है पोस्ट को, और जो भी हैशटैग है मैं थोड़े कम कर देता हूँ। ये कुछ हैशटैग मैंने रिमूव कर दिए, डन कर दिया। देखिए ये हाईलाइट हो गया, मतलब इसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ। आप ज़्यादा हैशटैग यूज़ करोगे आपकी फ़ोटो के अंदर तो आप प्रमोट नहीं कर पाओगे, तो आपको कुछ मिनिमम हैशटैग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है। सो एग्जांपल के तौर पे मैं इसको प्रमोट करता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, प्रमोट के ऑप्शन पर जाना है तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा एड्स के पेज पर जहाँ पर डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है, योर प्रोफाइल, योर वेबसाइट, योर डायरेक्ट मैसेज। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट वेयर टू सेंड पीपल, जो भी आपका ट्रैफिक है वो कहाँ पे जाना चाहिए, आपकी प्रोफाइल पे जाना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे जाना चाहिए, या आपके पास डायरेक्ट मैसेज आना चाहिए। प्रोफाइल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हाईलाइट हो गया डिजिटल गौर ऑफ प्रोफाइल पे ट्रैफिक आएगा। अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो जो भी ट्रैफिक होगा एड्स के थ्रू वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आएगा। जो भी मैंने वेबसाइट की लिंक डाल के रखी है मेरे बायो के अंदर, मैंने डाल के रखा है यूट्यूब चैनल की लिंक ट्री के थ्रू, तो यहाँ पे लर्न मोर वाला मैंने ऑप्शन डाल के रखा है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो, आप एडिट पे जाइए, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो गए। आप शॉप नाउ चूज़ कर सकते हो, आप वॉच मोर चूज़ कर सकते हो, आप कॉन्टेक्ट अस चूज़ कर सकते हो, आप बुक नाउ चूज़ कर सकते हो, आप साइन अप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कम्फर्टेबल रहे। इसके बाद ऑप्शन आता है योर डायरेक्ट मैसेज। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो भी ट्रैफिक होगा वो मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आएगा, डायरेक्ट मैसेज जो आपका मैसेज बॉक्स होता है वहाँ पर आएगा। सो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ वेबसाइट, जो भी आपकी पर्टिकुलर नीड है आप उस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे टिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँगा, तो यहाँ पे आपको टारगेट ऑडियंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप टारगेट कर सकते हो कि जो आपका एड है वो किसको दिखे और किसको नहीं दिखे। सबसे मेन बेनिफिट होता है डिजिटल एड्स का कि आप टारगेट कर सकते हो कि आपको किसको एड दिखाना है। जैसे कि मैंने एक टारगेट ऑडियंस बना के रखा है डिजिटल मार्केटर। अगर आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका फॉलोअर बेस है, जो भी उसका नेचर है, जो भी उसका बिहेवियर है, उस अकॉर्डिंग उन सारे लोगों को टारगेट करेगा। और जहां तक मेरा सजेशन है कि स्टार्टिंग में आप ऑटोमेटिक पे ना जाएं जब तक आपका एक फॉलोअर बेस बन ना जाए, 5000 या 10000 फॉलोअर एटलीस्ट। क्योंकि जब इंस्टाग्राम को अच्छे समझ में आता है किस तरीके का ऑडियंस बेस आपके पास है, और कस्टम ऑडियंस बेस के एक अपने बेनिफिट है कि आप आपके अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिक पे जाओगे तो आपके फॉलोअर बेस के अकॉर्डिंग टारगेटिंग होगी। सो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ क्रिएट योर ओन। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑडियंस नेम, लोकेशन, इंटरेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियंस नेम, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी टाइप्स ऑफ ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हो उसका आप नाम दे सकते हो। ये नाम बस आपको दिखेगा, ये किसी और को नहीं दिखेगा, ये बस आपकी सहूलियत के लिए। जैसे कि मैं नाम देता हूँ IG एड्स डेमो, यहाँ पे नाम हो गया। उसके बाद लोकेशन चूज करने का आपके पास ऑप्शन। यहाँ पे दो चीज मिल जाती है आपको, रीजनल और लोकल। जैसे मैं लोकल पे जाता हूँ तो जहाँ पे आप बैठे हो, जो आपकी करेंट लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोकेशन चूज कर सकते हो, आपके आसपास के लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो। सो यहाँ पे 5 किलोमीटर की रेंज है, यहाँ पे मैं 1000 लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। अगर मैं रेडियस को इंक्रीज कर देता हूँ तो मैं टारगेट कर सकता हूँ ऑलमोस्ट 2 लाख पोटेंशियल पीपल को मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब मेरी लोकेशन के 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी 2 लाख लोग आ सकते हैं उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। सो मैं रीजनल पे पहले जाता हूँ, रीजनल पे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली को टारगेट करना है, दिल्ली रीजन, यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। जैसे मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे एक फिगर लिखा आ गया, इतने लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ, इतने मेरे पोटेंशियल पीपल के रीच हो सकते हैं।
अब मैं इसको और डिफाइन करूँगा, मुझे कितने लोगों को टारगेट करना है, किस टाइप के लोगों को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंटरेस्ट रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको डन किया तो देखो मेरा जो रीच था वो कम हो गया। पहले ऑलमोस्ट 1,90,00,000 पोटेंशियल रीच थे। जैसे मैंने टारगेटिंग करी, स्पेसिफाई करा चीज़ों को किसको टारगेट करना है, तो मेरे रीच कम हो गए। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक टारगेटिंग कर दी, यहाँ पे अब मेरे पोटेंशियल रीच हो गए 57,00,000 समथिंग। अब मैं एज को भी टारगेट करता हूँ, मुझे 65 एज तक जाना ही नहीं है। यहाँ पे मैं जाऊँगा 18 से 40 एज तक। मेल फीमेल आप चूज़ कर सकते हो कि आपको मेल को एड दिखाना है कि फीमेल को दिखाना है, अब आपके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे मैं फीमेल पे जाता हूँ तो मेरे रीच कम हो जाएंगे, मैं इसको क्लिक करता हूँ रीच ज़्यादा हो जाएंगे, इसको मैं टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे रीच और कम हो गए, 47,00,000 रीच हो गए, क्योंकि मैंने अब टारगेट को और स्पेसिफाई कर दिया। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पेड एडवर्टाइजमेंट का, कि आप टारगेट कर सकते हो किसको एड दिखना चाहिए। अब इतने टोटल रीच हो गए, इतने लोगों तक मैं पहुँच सकता हूँ। अब वो मेरे बजट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब मैं इसको टिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। IGA डेमो सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आता है बजट का। यहाँ पे आप मिनिमम 80 रुपीज से पर डे 40,000 तक स्पेंड कर सकते हो एड्स के ऊपर। और मेरा सजेशन है, कोशिश करिए स्टार्टिंग में पहले 100 रुपये से 200 रुपये से स्टार्ट करिए, एकदम से 1,000 रुपये 1,500 रुपये के एड्स ना चलाएं। जब आप 100 रुपीज़ के चलाओगे, आप 200 रुपीज़ के चलाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से टारगेटिंग हो रही है, मुझे क्या मॉडिफिकेशन करने। आप यहाँ पे मिनिमम 80 रुपीज़ का बजट ले सकते हो, उसके बाद मैक्सिमम आप 40,000 पर डे का बजट लेके एड्स रन कर सकते हो। यहाँ पे लिमिट कम है, लेकिन जब आप फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू रन करते हो तो ये लिमिट आपकी और बढ़ जाती है। आपको जितना चाहिए उतना इन्वेस्ट कर सकते हो आप पर डे के हिसाब से भी। जैसे मैं बजट बढ़ा रहा हूँ तो मेरे एस्टिमेट रीच बढ़ रहे, जैसे मैं बजट कम कर रहा हूँ तो मेरे एस्टिमेट रीच कम हो रहे। मान लो मैं 200 का बजट करता हूँ तो मेरे रीच है 2600 to 6800 तक। इतने मुझे रीच मिल सकते हैं 200 के डेली बजट के ऊपर। ये मैंने 1 डे करा, यहाँ पे आप 2 दिन का कर सकते हो, 3 दिन का कर सकते हो, 5, जो भी आपके अकॉर्डिंग है आप आपके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। सो मेरा वही सजेशन है कि सबसे पहले आपका बजट आपके अकॉर्डिंग देखिए कि आपको 100 रुपये के एड रन करने, 200 के एड रन करने। स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसों के एड्स रन ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको करते करते आएगी। अगर आप एकदम से 1,000 रुपये के एड रन कर दोगे और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपके 1,000 रुपये डायरेक्टली वेस्ट हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए पहले टेस्टिंग करिए कि 100 रुपये में कितनी रीच आई है, 100 रुपीज़ में कितनी है, 200 में कितनी रीच आई है। आप फोटोज के अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो भी आपका बिजनेस है उसको आपको किस तरीके से फोटो के अकॉर्डिंग प्रमोट करना है, वीडियोज के अकॉर्डिंग प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बस मेरा ये सजेशन है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, पहले सीखते रहें। 200, 100, अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप बजट बढ़ाइए। अगर आपको जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट है, आपको मैसेज आ रहे हैं, आपकी प्रोफाइल के विजिट हो रहे हैं, आपकी लीड जनरेट हो रही है, आपके पास क्वेरीज आ रही है, जो भी आपको क्वेरीज चाहिए बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू एड्स को रन करते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग, क्विक टू अर्न स्कीम ऐसे वर्ड को यूज़ ना करें, क्योंकि इससे इंस्टाग्राम उसको स्कैम समझेगा और वो एड रन ही नहीं होगा। जब आप आपके अकाउंट में अमाउंट ऐड करते हो फिर आपका ऐड रिव्यू में जाता है, जब रिव्यू में जाता है तो सारी चीज़ चेक होती है कि आपका ऐड एलिजिबल है कि नहीं है। अगर आपका ऐड एलिजिबल नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाए और आपका ऐड लाइव नहीं होगा। आप कोशिश करिए कि आप जो भी शब्द यूज़ करते हो, जो भी वर्ड यूज़ करते हो, वो सोच समझ के करें। इसकी कंडीशन आपको गूगल पे मिल जाएगी और मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या कंडीशन होती है इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स के ऊपर रन करने की, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो डेली बजट है वो 200 का है और ड्यूरेशन है 1 डे का, लेकिन यहाँ पे मैं अभी एड रन करके नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि जो भी मैं एड्स रन करता हूँ वो मैं फेसबुक एड्स मेरे के थ्रू रन करता हूँ। वहाँ पे मेरी सेटिंग के अंदर कुछ कैपिंग लगी हुई है बजट की, मुझे वहाँ से वो चेंज करना पड़ेगा तभी मैं एड्स रन कर सकूंगा इंस्टाग्राम के थ्रू। बस इसके आगे कोई सिंपल ही प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ गया कि डेस्टिनेशन क्या है, आपका लर्न मोर आएगा और जो लिंक है
वो लिंक आ गई। यहाँ पे ऑडियंस को भेजा जाएगा इंस्टाग्राम के थ्रू। ऑडियंस का नेम क्या है? IG8 18-40 दिल्ली। बजट आपका आ गया 200 एक दिन के लिए। पेमेंट अवेलेबल बैलेंस अभी मेरे अकाउंट में कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी मैं एड्स रन करता हूँ वो फेसबुक एड्स मेरे के थ्रू रन करता हूँ। सो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सबसे पहले पेमेंट पे क्लिक करना है। और जो भी आपको पेमेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 200 ऐड करना है, उसको UPI के थ्रू आपके इंस्टाग्राम के एड्स मैनेजर के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे ही आपका ऐड का बजट आ गया तो यहाँ पे आपको पूरा प्रीव्यू आ गया, कोस्ट की समरी आ गई कि आपका ऐड का बजट 200 है। अब यहाँ पे आपको टैक्स लग रहा है 36 रुपीज़ का, सो टोटल स्पेंड हो गई आपकी 236। सो एटलीस्ट आपको इतना अमाउंट तो आपके इंस्टाग्राम के एड्स मैनेजर के अंदर ऐड करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको क्रिएट प्रमोशन के ऊपर क्लिक करना है और आपका एड रिव्यू पे जाएगा। रिव्यू के पास जैसे वो पास हो जाता है तो आपका एड रन हो जाएगा। यहाँ पे बाय क्रिएटिंग प्रमोटिंग यू एग्री इंस्टाग्राम टर्म्स, तो यहाँ पे आप प्राइवेसी देख सकते हो कि क्या क्या पॉलिसीज हैं। यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देंगे फेसबुक के ऊपर, जहाँ पे आपको सारी पॉलिसीज मिल जाएगी। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार पॉलिसी आपके थ्रू भी पढ़ ले, सो आपको समझ में आया किस तरीके के एड्स आप रन नहीं कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स को रन करते सिखाया। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपको इंस्टाग्राम के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऑसम कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।